वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज मैं देखिए एयरफोन लगा कर के आई हूँ, क्योंकि मैं अब दोस्त बहुत बोर होती हूँ, इस वजह से मैंने आज एयरफोन लगा कर वॉक कर रही हूँ। सो अच्छा लग रहा है। तो अब मिलते हैं थोड़े बाद। वेरी गुड आफ्टरनून। और आज का दिन है बुधवार, बुधवार होता है गणपति भगवान का दिन, तो सब प्रेम से बोले श्री गणपति नमः। और हम दोनों जा रहे हैं कैरब की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, मास्क वास्क लगा रखा है श्वेता ने, मैं भी लगाऊंगा। सो हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कैरब की। तो जब वहाँ से आज बहुत रोएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगते हैं उसको, वो कैरब को। सो ये होता है, ठीक है, बट क्या करें। अब इसके बाद सीधा आपको पता है, अब 6 मंथ्स बाद लगेगा, सिर्फ ये 6 महीने का हो जाएगा। तो फिर ठीक है, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर के पास ले गए, तब और ज़िद करेंगे बच्चे। बच्चे करते हैं ना कि रोने लगते हैं जैसे ही पता चलता है कि वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत रोते हैं बच्चे लोग, है ना। मैं भी माइट भी रोता हूँ। सो ये होता है। सो अभी तो उसको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो पहचान जाएगा कि मेरे को यहाँ लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मेरे को नहीं जाना अंदर, मेरे को नहीं जाना अंदर, ऐसे क्या करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं वैक्सीनेशन लगवाने, मिलते हैं वहाँ से आके। श्वेता बनाएगी कौन सी साबुदाने की खिचड़ी, तो उसके बाद आपको रेसिपी दिखाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज मैं वही साबुदाने की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट उस टाइम पता है मूँगफली नहीं थी हमारे पास, और आप लोगों ने बोला था कि आपके बनाते समय नहीं दिखा वो चीज़। आज मैं आपको, मैं दिख रही थी मतलब वो नहीं दिख रहा था, तो मैं दिखाती हूँ आपको। स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। उसे मैंने घी डाला है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, देख सकते हो। अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये मिर्च, मैंने काट के रखी हुई है, ठीक है। एंड अब मैं क्या मिलाऊंगी, अब मैं मिलाऊंगी आलू, आपको दिख रहा होगा आपको। तो मैंने ये मिला दिया है आलू, अब इसमें मैं मिलाऊंगी मूंगफली। मैंने मूंगफली लिया है, इसको हम मिला दें। अब मूंगफली को भून करके भी मिला सकते हो, फिर मैं आलू के साथ ही इसको भून लेती हूँ, तो इसलिए मुझे अलग से कुछ भूनने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये है आलू। अब इसमें मैं मिलाऊंगी हल्का सा नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हो नमक, ठीक है। और इसमें मैं मिलाऊंगी हल्की सी काली मिर्च, क्योंकि इसमें जो काली मिर्च का फ्लेवर आता है ना, वो गजब होता है, गजब। इसमें मिलाऊंगी हल्का सा चाट मसाला, देखते हो। काली मिर्च और चाट पाउडर, मैंने तीन चीज़ें बस मिलाई, ठीक है। अभी हम आलू को और इसको होने देंगे थोड़ी देर, ठीक है। फिर इसमें हम टमाटर मिलाएंगे, तब आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर। तो हमारा ये लगभग भुन गया है, अब इसमें मिला रही हूँ मैं ये टोमेटो। ऐसा कुछ है, अभी ये टमाटो थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद मैंने साबुदाना एकदम सुबह भिगो के रख दिया था, देखो तो ये हो गया साबुदाना एकदम। तो अब मैं इसे उसमें मिला दूँगी, फिर मैं चला दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब इसको मिलाऊँगी। देखिए मैंने साबुदाना इसे मिला दिया है, बस को थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे, उसके बाद हमारी साबुदाना बन के रेडी होगी, ठीक है। अब हम आपको सीधे प्लेटिंग दिखाते हैं। ये साबुदाने की खिचड़ी
कितनी बढ़िया लग रही है। कभी कभी ये खिचड़ी भी अच्छी लगती है नॉर्मल खिचड़ियों से, और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है खिचड़ी खानी, है ना। लाइट भी होती है और थोड़ी सी हल्की भी होती है, तो मेरे को बढ़िया अच्छी लगती है साबुदानी खिचड़ी खानी, है ना। और मम्मी को भी आई, मम्मी ने आई थिंक मैंगो शेक पिया, मैंने जो बनाया था वो रखा हुआ था, मम्मी ने पी लिया था वो, और केला खा लिया था। अब शाम को हम देखते हैं क्या खाते हैं आज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अच्छा शाम को एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है हम लोगों को, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। आई थिंक 6:15 करीब हम आपको बताएंगे वो नई रीति के बारे में वो चीज़, तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द इवनिंग, ओके। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने अपना। सो गाइज, मैं हो गया हूँ रेडी, मैं जा रहा हूँ अब रात के लिए जिम करने, अपनी बॉडी बनाने, है ना। अब मेरी बॉडी कैसी लग रही है तुम्हें, है ना, मस्त लग रही है ना। मैं जब पतला होने लगती हूँ मुझे खुद अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा एहसास होता है ये, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ जिम, इतने थोड़ी सी खांसी आने वाली है, सॉरी। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ जिम, और ये देखो श्वेता का नया सूट है, इस सूट में मेरे को श्वेता बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग से, ये देखिए, ठीक है। तो इस सूट में मुझे श्वेता स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती थी, बैंगलोर में भी और यहाँ पे भी, है ना श्वेता, है ना। कितनी फुतरी से नहीं लग रही मेरी बीवी है, मेरी बीवी, मेरी बुग्गू है ये, बुग्गू है ना। और मैं जा रहा हूँ जिम, फिर मैं हम आके लगाएंगे प्रेस के कपड़े, और ये लगाई बर्तन, ठीक है, क्योंकि अब व्लॉगिंग हमने सुबह करी नहीं थी बिल्कुल भी, तब सोचे नाइट की कर लें व्लॉगिंग, ये गिरने को हो रही है बिल्कुल, है ना। इसका भी थोड़ा सा वेट रिड्यूस होता है नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा सा आ रहा है ना, तो हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। और मेरा तो हो ही रहा है मज़े से, आज होगी चेस्ट, तो मैं दिखाऊँगा आज आपका एक्सरसाइज, ठीक है, चेस्ट की। तो चलिए चलते हैं शिम की तरफ, ओके। और इसने अपनी साड़ी बनवाई है, साड़ी दिखा दो थोड़ा सा लुक, साड़ी दे दिया ना फॉर पिको के लिए, अच्छा इन्हें साड़ी भी दे दिया है फॉर पिको के लिए, और ब्लाउज बन जाएगा, और दोनों साड़ियाँ बनवाई ना, एक बनवाई इसने, तो नई साड़ी आपको देखने मिलेगी होली पे, ठीक है। तो बस मैं चलता हूँ अभी, थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ आपसे।
गया था जिम से। जिम से आए हुए मुझे लगभग हो गया है आधे पौने घंटे, दूध भी पी लिया है मैंने। वहाँ चला है अनोखी और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये पानी वानी रखते हैं ना रूम में, वो रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज बहुत अच्छा लगा जिम में इतनी एक्सरसाइज करके। थोड़े से जब हम जिम करते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। तो मुझे बिल्कुल भी अभी ऐसी डलनेस सी फील नहीं होती है, ठीक है। और सुबह उठने का तो कुछ अलग ही मज़ा आता है ना। तो पहले मैं ही सोच सकती मैं क्यों उठूँ एकदम, कि मैं क्यों उठूँ क्यों जाऊँ। फिर जब जाने लगा मैं एक दो दिन गया तो फिर अपने आपकी जो बॉडी ना उस शेड्यूल में आपको ढाल लेती है। ये देखिए पानी ढक कर लिया, तो आपकी बॉडी आपको शेड्यूल में ढाल लेती है डेली उठने के, कि आपको उठना ही है 5:30। तो मेरी खुद आँख खुल जाती है, जैसे मैं 5:30 उठता हूँ सो मेरी 4 बजे तक आँख खुल जाती है यूजली। 4:30 में देखता हूँ चलो अभी आधा घंटा फिर रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर 5:30 उठता हूँ सुबह अपना गर्म पानी करके फिर चले जाता हूँ। तो बहुत अच्छा अच्छा सा महसूस होता है, बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं पूरे दिन, अपने आप को डलनेस फील नहीं होती मुझे। तो ये है ना। और अभी भरूँगा अपनी वाटर बॉटल नाइट के लिए, फिर मैं सुबह इसी में से ही गर्म पानी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कैटल भी रखनी है, अभी ये जो रखी है ना ये रखनी है अभी, ठीक है। अभी चलते हैं उस कमरे में, आपको मैंने बोला था ना रीति के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, तो अभी चलते हैं उस कमरे में, हम बताते हैं। दिखाया तो मैं क्या क्या किया है मैंने उसके बाद से। ये तो मैंने आपको ले जाते दिखाया था, पानी भर के रखा हुआ है एक और हांडी, इस साफ पानी से हम बॉटल धोते हैं कैरब की। देन यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है स्टर लाइट करने को, ओके ठीक है। देन यहाँ मेरा कप रखा रहता है ये चम्मच, और ये यहाँ पे ये शहद रखा रहता है जो मैं पीता हूँ सुबह उठ के, ठीक है। ये भी रखा रहता है, और यहाँ पे इसका पाउडर ये, और ये मेरी पानी की बॉटल भर दी। ये सारा काम रात का मैंने कर दिया है। अब चलते हैं उस वाले कमरे में और बताते हैं आपको नैरिति के बारे में, मेरे को आपको क्या बात करनी थी, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी, चलिए उस कमरे में, ठीक है। यहाँ क्या माहौल चल रहा है, है ना। तो रुक जाइए, यहाँ पे ये चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे अनोखी चल रहा है, ये इसका फेवरेट सीरियल है, ये अनोखी देखती है ऐसे में। वैसे आता किस टाइम पे है, ये 7 बजे आता था, उसका ऑफिस रहता है तो देख नहीं पाती होगी, कितने समय देख लेती है। तो अच्छा सीरियल है, यहाँ पे आ गई मम्मी। और हाँ, नैरिति के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी, नैरिति ने हमारी क्या प्री नर्सरी से नर्सरी में हो गई है विद द सेकंड पोजीशन, है ना, सेकंड पोजीशन से क्या है। तो ये हमें आपको शेयर करना था, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा हमें, हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी नैरिति के ऊपर कि सेकंड पोजीशन पे है मैं नैरिति, है ना। बहुत अच्छा लगा हमें तो ये, ठीक है। तो मैं उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है और उसकी टीचर की उसकी फ़ोटो है वो मैं आपको इस ब्लॉग में डाल दूँगा, ठीक है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड नहीं बन लगी, वो सेकंड पोजीशन जो लिखी हुई है उसमें लिखा है सेकंड पोजीशन, ठीक है। सो मैं डाल दूँगा आपको, ठीक है। अच्छी स्टूडेंट है नैरिति, यस। यहाँ पे कैरा भी थोड़ा सा परेशान, आज हम बनवा के लाए हैं अपने कैरा की जन्म पत्री आई है और हम उसको पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको इसका सार बताएंगे। हाँ, कैरा भी बहुत अच्छा लड़का बनेगा, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। सो हम इसका एक दिन सार बताएंगे आपको विस्तार में, ठीक है। अच्छी पर्सनैलिटी वाला अच्छा लड़का बनेगा, पंडित जी तो यही कह रहे थे भाई, आगे भविष्य को किसने देखा है। करेक्ट। तो अपना ये ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको अपने घर में खुश रहना, सुरक्षित रहना, हंसते रहना, गुनगुनाते रहना है। लव यू, मिस यू, बाय।